दोस्तों सबसे पहले तो हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं कि पिछले कुछ दिनों से हमने अपने आप को लाइव सेशंस में इतना बिजी रख दिया था कि कहीं ना कहीं हमारे स्किप हो गए थे कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे जो क्लासेस हमारे बैक टू बैक चल रहे थे वन वीडियो वन चैप्टर एक ही वीडियो में हम एक चैप्टर को खत्म जो करके आ रहे थे वो सिलसिला को आज हम आगे बढ़ाते हुए लेके आए हैं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बोटन स्ट्रीम और ये हम अपने मर्जी से बिल्कुल नहीं ला आए आप लोगों को पता है कि कितने सारे कमेंट्स आप हमें मिले हैं बोटन स्ट्रीम और कंपाउंड इंटरेस्ट को लेके ये दोनों कवर है, ये दोनों के दोनों है, मतलब यहां पे इनका क्लियर होना चाहिए और साथ ही साथ में बोटन स्ट्रीम में आज ये प्रूव करके दिखाऊंगा पूरा सीखने के बाद भी सवाल आपके काफी लंदी हो जाते हैं कैलकुलेटिव हो जाते हैं लेकिन उन सवालों को बिना कुछ इक्वेशन बनाए बिना एक्सरसाइजेड लिए कैसे ऑप्शन के पांच दस सेकंड में हार्डली वो लंबे लंबे सवाल बड़े बड़े सवाल जो होते हैं ना कि इतना किलोमीटर जाएगा डाउन स्ट्रीम इतना किलोमीटर में फिर और एक इक्वेशन देगा दो इक्वेशन से चीजें निकल के आएंगे तो उनको बिना इक्वेशन फ्रेम किए हम कैसे आंसर तक पहुंच सकते हैं वाई यूजिंग उप्रेंग उप्रेंग 5 तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों का क्लियर नहीं हुआ इसीलिए आप इसके सवाल बनाने के एबल नहीं है और हाँ एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन में नया ट्रिक आपको सीखने के लिए जरूर मिलेगा अब बात आती है बोटन स्टीम तो क्या होता है सबसे पहले तो एक रिवर होता है ठीक है वो रिवर में सो इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है एक बोट जाता है ठीक है अब मान लीजिए कि वो रिवर पूरा आपका स्टिल है मतलब टोटल उसमें कोई भी करंट कोई भी उसमें स्ट्रीम फ्लो नहीं कर रहा है मतलब वो पूरा का पूरा स्थिर है मतलब एक ही जगह में ठहरा हुआ है अब वहां पे क्या होता है बोट जितने स्पीड में खुद करेंगा, करेंगा, उतने ही स्पीड में में खुद करेगा करेगा थ्रॉटल उतने ही जाएगा मतलब यहां पे उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा वो खुद जितने स्पीड से जाना चाहेगा वो उतने ही स्पीड में जाएगा बाहर से उसको कोई दबाव नहीं आएगा उस कंडीशन को क्या कहा जाता है स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर मतलब स्थिर पानी में नाव की गति अब ये जो स्टिल वाटर में उसका स्पीड क्या होगा हमने उसको सपोज ले लिया है X मतलब कि अगर पानी में कोई बहाव नहीं रहेगा तो बोट अपने खुद के ही स्पीड में में चलेगा जिसको हमने क्या मान रखा है मतलब इस चैप्टर जब भी मैं X का जिक्र करूं तो आपके दिमाग में एक ही चीज आना चाहिए स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर की बात कर रहे हैं ठीक है अब नेक्स्ट जो है यहां पे कुछ करेंट भी हो सकता है मतलब उस रिवर में कुछ बहाव हो सकते हैं और याद रखिएगा जो गलत चीजें आपके दिमाग में घुसे हुए हैं उसको निकाल दीजिए करंट हमेशा एक ही डिरेक्शन में फ्लो करता है जिंदगी भर ठीक है मतलब करंट अगर इस रिवर में इस डिरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो मरते दम तक उसी डिरेक्शन में फ्लो करेगा किस स्पीड में फ्लो करेगा सपोज मान लीजिए कि ये कहते हैं कि स्पीड ऑफ करंट या फिर जिसको आप क्या कहते हैं स्ट्रीम उसको हमने सपोज ले लिया वाई क्लियर है तो अब बात आ रही है कि सर हमने सुना था कि क्या अपोजिट जाते हैं सेम जाते हैं तो करंट आप बोल रहे हैं कि एक ही जगह फिक्स्ड है करंट अपने डायरेक्शन में फिक्स्ड है लेकिन अपना डायरेक्शन कौन चेंज करता है बोट चेंज करता है जैसे कि ये बोट जो है इसका मन हुआ अगर इस डायरेक्शन में जाने के लिए तो वहां पर उसको क्या मिलेगा एडवांटेज मिलेगा क्या एडवांटेज मिलेगा अब देखिए बोट इस डायरेक्शन को जाना चाहता है और करंट भी देखिए उसी डायरेक्शन में उसको धक्का दे रहा है तो मुझे बताइए कि स्पीड इसका बढ़ेगा या घटेगा अरे देखिए आप जिस डायरेक्शन में जाना चाहते आपके पीछे से कोई आपको धकेल रहा है तो आप ज्यादा ज्यादा जोर जोर से जा सकते हैं ना तो उसी कंडीशन को क्या कहा जाता है डाउनस्ट्रीम कंडीशन और स्पीड ऑफ बोट स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम कितना हो जाता है बस इतना याद रखिए कि आपका खुद का स्पीड स्टिल वाटर मतलब आपका ओरिजिनल स्पीड कितना होना चाहिए एक्स पीछे से आपको एक्सटर्नल फोर्स करंट कितना दे रहा है उसको हमने क्या लिया है स्पीड ऑफ करंट वाई तो आपका जो इफेक्टिव स्पीड अभी कितना हो एक्स प्लस वाई इतना तक क्लियर है नेक्स्ट कंडीशन क्या था? आपको बोट इस इस डायरेक्शन में नहीं लेना आपको बोट को इस डायरेक्शन में लेना है तो यहां पर आपको क्या होगा सामने से कोई एक अपोज करेगा क्यों क्योंकि आप इस डिरेक्शन में जाना चाहते हैं और करंट आपको सामने से धक्का दे रहा है मतलब यहां आपके फ्लो को कोई रोक रहा है अपोज कर रहा है तो अभी आपका स्पीड ऑब्वियसली घटने वाला है उस कंडीशन को क्या कहा जाता है स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम अपस्ट्रीम इन अपस्ट्रीम क्लियर है और जाना चाहिए लेकिन वाई ढकेला जा रहा है वापस ला रहा है मतलब एक्स माइनस वाई इस कंडीशन को क्या कहा जाता है स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम मतलब बस इतना याद रखिए अब डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या होगा ऐड हो जाएगा

बाई टू कर दूं तो मेरा स्पीड ऑफ द बोटन स्टिल वाटर आ जाएगा मतलब इसका दूसरा क्या आ गया डाउनस्ट्रीम स्पीड स्पीड प्लस अपस्ट्रीम फॉर्मुलाई टू सेम चीज़ अगर मैं इस स्पीड से अपस्ट्रीम स्पीड को माइनस करूंगा क्यों सर उल्टा नहीं कर रहे अरे हमेशा डाउनस्ट्रीम का स्पीड एड होकर बना है और अपस्ट्रीम का स्पीड माइनस होकर बना है तो जो एड है वो ज्यादा रहेगा या नहीं मतलब डाउनस्ट्रीम का स्पीड हमेशा मोर रहेगा ज्यादा रहेगा और अपस्ट्रीम का स्पीड हमेशा लेस रहेगा क्लियर है तो मैं हमेशा बड़े से छोटे को माइनस करूंगा तो डाउनस्ट्रीम से अगर मैं अपस्ट्रीम को माइनस कर रहा हूं तो, तो करंट कर तो तो निकालने के लिए हमारे पास प्रोसीजर क्या डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम बाई टू तो डाउनस्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड बाई टू अगर हम कर देंगे तो हमें करंट निकल आएगा अब इतना समझने के बाद देखिए हम लास्ट कहते हैं डाउनस्ट्रीम में

दोनों को ऐड करके बाय टू और ये वाई कैसे बनेगा इन दोनों को सबट्रैक्ट करके बाय टू मतलब एक्स का वैल्यू क्या आएगा ऐड करके बाय टू y का वैल्यू क्या आएगा माइनस करके बाय टू यही है कंफ्यूजिंग चीज और यही क्लियर होने के बाद बस खत्म अब इसको थोड़ा मैं आगे डीपर कांसेप्ट और लेके जा रहा हूं ये सारे के सारे यहां पे हैं हमारे पास क्या स्पीड लेकिन सवाल में अगर कहीं कबार टाइम के रिलेटेड दे दिया जाता है तो आपको इमीडिएटली उनको कन्वर्ट करना होता है स्पीड में तो टाइम और स्पीड में क्या रिलेशन रहता है भाई बस देख लीजिए स्पीड का फॉर्मूला अगर आप मुझसे पूछे तो स्पीड बराबर आपका क्या हो गया डिस्टेंस बाई टाइम और अगर मैं बोलूं कि ये डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है मतलब डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो स्पीड और टाइम किस तरह के रिलेशन रखेंगे इनवर्स रिलेशन इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या होता है स्पीड अगर ज्यादा होगा तो टाइम आपको कम लगेगा स्पीड अगर आप कम में जाएंगे तो टाइम आपको ज्यादा लगेगा तो स्पीड एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो मैं लास्ट इज बस इतना कह के आपको एंड लेना चाहता हूं एक कंडीशन है मेरा डाउनस्ट्रीम दूसरा कंडीशन है मेरा अपस्ट्रीम क्लियर है अब डाउनस्ट्रीम का स्पीड कैसे बनता है एड करके बनता है अपस्ट्रीम का स्पीड कैसे बनता है माइनस करके बनता है तो जो एड होगा उसका स्पीड ज्यादा होगा जो माइनस होगा उसका स्पीड कम होगा तो यहां पर मुझे पता चल गया

प्ले हो रहा है। जल्दी से कर दीजिए एक एक तीन क्वेश्चन बेसिक है तीन मिनट लगेगा को रिवाइज करने के लिए कैन रो 15 किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम एंड नाइन किलोमीटर पर आवर अपस्ट्रीम द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वाटर इस कुछ नहीं मतलब पहला क्वेश्चन कुछ नहीं है

कोई शौक नहीं, है? अगर करेंगे तो हमेशा थोटा रहता है डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम बाई टू पंद्रह से नौ गया छे छह बाई दो तीन लेकिन बेसिक सवाल है जल्दी से बढ़ते नेक्स्ट सवाल को सारी चीजें यहां पर रख रहे हैं बोटमेन रोज वन किलोमीटर इन फाइव मिनट्स अलोंग द स्ट्रीम अब देखिए यहां पे जो दूसरा कंडीशन आ रहा है क्वेश्चन नंबर टू में वो है अलोंग द स्ट्रीम अलोंग द स्ट्रीम का मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है स्ट्रीम के साथ बहाव के साथ तो बहाव के साथ आप कौन से डायरेक्शन में जाते हैं आपको पीछे से धक्का कब लगता है डाउनस्ट्रीम के कंडीशन में तो ये कंडीशन आपका कुछ नहीं है डाउनस्ट्रीम हर चीज हर छोटे छोटे चीजों को क्वेश्चन के फॉर्म में रखा गया ठीक है तो वो अलोंग द स्ट्रीम क्या जा सकता है एक किलोमीटर जा सकता है पांच मिनट में मतलब डिस्टेंस जाता है एक किलोमीटर कितने टाइम में फाइव मिनट्स में अब फाइव मिनट्स मत रखिए क्योंकि यहां पे किलोमीटर है मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या हो जाएगा मिनट्स को आवर में अब आपके पास डिस्टेंस है टाइम है तो स्पीड का फॉर्मूला आज ही लिखा है तो आपका जो स्पीड हो जाएगा क्योंकि डाउन स्ट्रीम के कंडीशन में ना तो डाउन स्ट्रीम में आपका जो स्पीड हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा डिस्टेंस

स्पीड का बराबर डिस्टेंस बाय टाइम तो सिक्स बाय वन मतलब अपस्ट्रीम का स्पीड कितना हो गया सिक्स बाय वन यानी कि सिक्स किलोमीटर पर आवर आपको पूछा क्या गया है पूछा गया है द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज स्ट्रीम मतलब बार बार बोल रहे हैं स्ट्रीम मतलब आपको क्या चाहिए वाई चाहिए करंट छोटा होता है हमेशा करंट अगर छोटा होता है तो कैसे निकालेंगे माइनस तो ये बस लिखवा रहे हैं एक बार और प्रैक्टिस के लिए तो डाउन स्ट्रीम हो गया आपका बारह हो गया छे बारह माइनस छे बाई दो आंसर कितना आ जाएगा आपका थ्री किलोमीटर पर आवर इज इट क्लियर तीसरा बेसिक क्वेश्चन यहीं पर करने से सारे के सारे फॉर्मुलाज आपके सामने रह जाएंगे अच्छा लगेगा तीसरा क्वेश्चन है स्पीड ऑफ बोट अलॉन्ग दीम इज ट्लोमीटर डाउन स्ट्रीम का मतलब कंडीशन है एंड अगेंस्ट द स्ट्रीम इज एट किलोमीटर पर आवर अगेंस्ट द स्ट्रीम अप्रीम मतलब यहां पर पता चल गया कि डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितना है बारह और अपस्ट्रीम में स्पीड कितना है आठ क्लियर है द टाइम टेकन बाई बोट सेल चौबीस किलोमीटर जाना है तो डिस्टेंस आपको कितना जाना है भाई चौबीस किलोमीटर जाना है किस स्पीड में मुझे स्टिल वाटर के स्पीड में स्टिल वाटर का स्पीड मतलब एक्स के स्पीड में स्टिल वाटर आपका करंट से ज्यादा होता है ज्यादा मतलब डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम बाई टू तो बारह प्लस आठ इसको यहीं पे लिख पा रहे बारह प्लस आठ बाई दो यानी कि दस सॉरी टेन तो ट्वेंटी फोर किलोमीटर का, तो का फॉर्मुला क्या होता है टी -डी -एस, में, बार आपको कहा गया सॉरी ट्रेन में तो टीडीएस मतलब टी बराबर डीवाई एस तो डिस्टेंस जाना है चौबीस और स्पीड आपका है टेन ये होता है आपका आवर लेकिन यहां पर जो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है बट इसका मतलब ये नहीं कि इसको टू पॉइंट फोर आवर रख दीजिएगा नहीं ये कुछ ना कुछ आपके कुछ आवर्स और कुछ मिनट्स में रहेंगे तो मैं इसको यहां पे डबल कन्वर्शन आपको सिखाना चाहता हूं सर ये डबल कन्वर्शन क्या होता है डबल कन्वर्शन होता है ये 24 बाय 10 आवर है एक घंटा कितना मिनट होता है 60 मिनट तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स 2 आवर इज इक्वल टू 120 कैसे पता चला 2 into 60 seven hour is equal to 7 आवर इज इक्वल टू 7 60 इलेवन आवर इज इक्वल टू इलेवन इंटू सिक्स इंटू अगर मैं कैंसिल करूं और इसको लिख दूं तो ये टोटल मेरा किस में बन जाएगा मिनट सर ये क्या पूरा मिनट्स में चाहिए अगर मिनट्स में ऑप्शन होता तो ये होता आंसर लेकिन ऑप्शन किस तरह होता है कितने घंटे कितने मिनट तो एक सौ चौवालीस देखिए सिक्सटी मिनट में एक घंटा बनता है तो 60 के में दो मल्टीपल जा सकता हूं सिक्सटी इंटू टू वन तो 120 तक जाते जाते दो घंटे कंप्लीट हो जाएंगे 144 से अगर 120 गया तो रहा कितना 24 तो आंसर कितना आ गया आपका टू आवर 24 मिनट्स इसके और अच्छे अच्छे तरीके लेकिन बेसिक तरीके से हम समझा रहे हैं आगे जब टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाएंगे और गजब गजब से लॉजिक आपको बताएंगे तो चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा होगा अब तीन बेसिक सवाल हमारे ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं अब हम बढ़ते हैं चैप्टर की और तो मेरे ख्याल से सब कुछ याद रह गया होगा एक्स मतलब स्टिल वाटर y मतलब करंट डाउनस्ट्रीम कैसा कैसे निकालते हैं स्टील वाटर प्लस करंट एक्स प्लस वाई अपस्ट्रीम कैसे निकालते हैं स्टील वाटर माइनस करंट एक्स माइनस वाई डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम से हमें एक्स यानी कि स्टील वाटर कैसे मिलेगा ऐड करके बाय टू डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम से करंट कैसे मिलेगा माइनस करके बाय टू पूरा इतना ही है कॉन्सेप्ट और एक भी चीज ज्यादा नहीं है ए मैन गोस डाउनस्ट्रीम विथ अ बोट टू सम डेस्टिनेशन एंड रिटर्न्स अपस्ट्रीम टू हिज ओरिजिनल प्लेस इन 5 आवर्स अगर यह दिया भी नहीं जाता तो भी आपको यही मानना है कि अगर आप जाएंगे डाउनस्ट्रीम में

है, तो मान लीजिए इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस है डी ठीक है मैं जाऊंगा डाउन के स्पीड में डाउनस्ट्रीम का स्पीड क्या होता है भाई x प्लस वाई होता है x प्लस कि कि कितना हो जाएगा ना फिकर मत कीजिए तो 10 माइनस फोर यहां पे कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर मतलब मैं जाऊंगा 14 में वापस आऊंगा 6 में अब जब जाएंगे तो कितना डिस्टेंस कवर करेंगे डी डिस्टेंस कवर करेंगे जब आएंगे भी तो डी डिस्टेंस कवर करेंगे तो तो पहले मुझे बताइए कि डिस्टेंस मुझे जाना है डी और किस स्पीड में जाना है मुझे, तो भाई? भाई तो मुझे, तो मुझे लिखवा रहे हैं पहले फोकस कीजिए फिर आंसर बताते हैं आपको ट्रिक के साथ फिकर करने की कोई जरूरत नहीं तो डिस्टेंस कितना है आपका डी जब वो आपस, वो आपस आते हैं तो आपका स्पीड कितना होगा भाई सिक्स क्योंकि आप अपस्ट्रीम में आएंगे और आपको टाइम कितना लगेगा टाइम बराबर डी बाई एस तो डी बाई का टाइम और आने का टाइम टोटल मिलके कितना है भाई 5 है तो यहां पे मुझे मिल गया कि डी बाई फोर्टीन प्लस डी बाई सिक्स इज इक्वल टू मेरा कितना आ गया यहां पे फाइव अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो डी आराम से आ जाएगा डी को पहले कॉमन ले लीजिए कॉमन लेने से यहां पर एल हो गया फोर्टी टू ये हो गया आपका कितना सॉरी हा फोर्टी टू ये हो गया आपका थ्री हो गया आपका सेवन सेवन प्लस रहा है आपका कितना 5. अब देखिए कैंसिल करेंगे 5 यहां पे कैंसल 2, 2 यहां पे कैंसिल कैंसिल हुआ 21, हुआ 21 इधर चले जाने से डी का वैल्यू आपको कितना मिल गया ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका आंसर लेकिन इस क्वेश्चन को इस तरीके से बिल्कुल नहीं जाना है अब सर इस क्वेश्चन को अगर इस तरीके से नहीं जाना है तो कैसा यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा सोचने के लिए वक्त लगेगा एग्जाम में शायद इतना वक्त आपको ना

अगर सारे के सारे ऑप्शन में होल नंबर नहीं आया तब मैं आपको बताऊंगा लॉजिक सारे के सारे क्वेश्चन में अलग अलग नंबर मैंने लिए ठीक है? तो सिक्सटीन 14 ज्यादा से ज्यादा आपका क्या होगा एट बाई सेवन जो कि अच्छा नहीं लगेगा नेक्स्ट ऑप्शन कितना है? इधर अगर मैं रख कटेगा क्या आपको परसेंटेज पढ़ाया गया है परसेंटेज फ्रैक्शन के बीच में रिलेशन बताया गया है। मतलब सा नहीं आएगा। लेकिन करने से ये 2 3 बाय 2 यानी कि 1.5 अब तक कुछ ढंग का तो मिला है इस जगह अगर डी के जगह में ट्वेंटी वन रख दूं तो थ्री तो में कैंसिल करने से टू सेवन बाई टू कितना आएगा आपका थ्री पॉइंट फाइव 1.5 प्लस 3.5 कितना होता है

फिकर मत कीजिए आराम से जाते हैं तो इसका आंसर आपको पता चल चुका है अगर सर हाँ सर सब कुछ अच्छा लगा अब थोड़ा अगर कुछ और मेथड भी कह देते तो हाँ मुझे लगागा कि हाँ कुछ बेनिफिट मिल रहा है ये दोनों चीजें मुझे पता था अगर ये दोनों चीजें पता था तो तीसरा चीज देखिए अगर ऐसा आपको डिस्टेंस मतलब जा रहा है और आ रहा है इतने वक्त लग रहा है बोट का स्पीड वगैरह सब दिया गया होगा तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला और यह सिर्फ डिस्टेंस निकालने के लिए नहीं कई जगह लग सकता है डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा टी एक्सक्र माइनस वाई स्क्वायर बाई रहे हैं? कुछ नहीं लिख रहा X, y, X का मतलब आपको पता है X का मतलब क्या होता है? मतलब है? मतलब है? तो कितना लग रहा था पांच घंटा बोट इन स्टिल वाटर कितना दिया था सौ माइनस वाई करंट का स्पीड कर कितना दिया चार चार का स्क्वायर कितना होता है? 16. 2 water, यानी कि 10. अगर इसको मैं कैंसिल करूं देखिए 2 100 60 यहां पे 84 आएगा अगर 2 24 4 को अगर मैं 84 से काटूं तो कितना आ जाएगा 21 आई होप कि आपको तीन तरीके से मैंने 21 लाना सिखा दिया है अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है जल्दी से कर दीजिए इस सवाल का जवाब और हाँ मिटा नहीं। तो यहां पे क्या था? टी, दिया करंट दे दिया जाता और स्टिल वाटर पूछता जैसे कि इस सवाल में तो आप वहां से भी निकाल सकते थे कैसे अब देखिए आगे चलिए सवाल मेरे ख्याल से सब लोगों ने पढ़ लिया होगा सेशन बहुत ही फास्ट फास्ट हो रहा है क्योंकि आप आराम से देख सकते हैं छोटा सेशन रखने का मोटो ये है कि आप रिटेंशन लिमिट में ही सारे चीजें अंदर रिटेन हो जाए द करंट ऑफ द स्ट्रीम इज वन किलोमीटर पर आवर सीधा 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 और कुछ नहीं ठीक है किलोमीटर पर आवर लिख देते हैं आपके लिए खुशी के लिए ए बोट गोस 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड गेट्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन टू आवर ट्वेल्व आवर्स मतलब अपस्ट्रीम में जाएगा और वापस तो ऑब्वियसली आना है किसमें डाउन स्ट्रीम में और टोटल टाइम उसको कितना लग रहा है बारह घंटा लेकिन यहाँ पे एक नया चीज देखे कितना डिस्टेंस जा रहा है और आ रहा है भाई थर्टी फाइव किलोमीटर्स का जर्नी है मतलब टोटल नहीं थर्टी फाइव किलोमीटर्स अपस्ट्रीम में जा रहा है फिर थर्टी फाइव किलोमीटर अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में आ रहा है और टोटल टाइम उसको लग रहा है बारह घंटा अब वो पूछ रहा है द स्पीड ऑफ द मोटर बोट इन स्टिल वाटर इज इसको पहले कॉन्सेप्ट बता देते हैं अब देखिए जब जाऊंगा तो मैं कितना किलोमीटर जाऊंगा 35 किलोमीटर जाऊंगा जब मैं जाऊंगा तो कौन से स्पीड में जाऊंगा सर मैं अपस्ट्रीम के स्पीड में जाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन दिया है ना द करेंट ऑफ द स्ट्रीम इज इतना बोट गो थर्टी फाइव किलोमीटर अपस्ट्रीम अपस्ट्रीम मतलब मुझे बस इतना बताइए कि अपस्ट्रीम का स्पीड क्या होता है भाई एक्स माइनस y, y का वैल्यू आपके पास कितना है one. Clear है। और यहीं पे मैं लिख रहा हूं कि downstream का स्पीड कितना होगा x stream, तो distance रहा किस माइनस वन स्पीड में जाऊंगा तो टाइम कितना लगेगा भाई टाइम का फॉर्मूला क्या होता है भाई हमेशा बताए हैं हर बार लिखा है क्या अच्छा नहीं लगता टी बराबर डी बाई एस तो थर्टी फाइव किलोमीटर अगर मैं एक्स माइनस वन स्पीड में जाऊंगा तो इतना टाइम लगेगा जब मैं वो पस आता हूं वही 35 फाइव किलोमीटर से वापस आऊंगा लेकिन डाउनस्ट्रीम में आऊंगा डाउनस्ट्रीम में, में मेरा स्पीड कितना है भाई x plus 1. तो कितना टाइम लगेगा डिस्टेंस स्पीड इतना टाइम जाने के लिए और इतना टाइम आने के लिए लगाने से भी मुझे टोटल कितना वक्त लग रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए बारह घंटा दिया है ना क्वेश्चन में बारह घंटा तो इस इक्वेशन को आप सोल्व कर सकते हैं आपका आंसर आएगा बट दिस इक्वेशन विल लीड टू ए क्वारटिक इक्वेशन जो लोग पिछड़ा वाला सवाल कह रहे थे निकाल देते हैं अब यहां पर अगर इक्वेशन सोल्व करेंगे देखिए एक्स

आठ सर छे क्यों नहीं रखे मुझे पता है कि छे में आंसर आ जाएगा फिर आपका खुराफाती सवाल आएगा सर पहला ऑप्शन था इसीलिए डालते ही आ गया अगर मतलब चौथा ऑप्शन होता तो मैं नीचे से जाऊंगा ठीक है अगर मैं आठ ले रहा हूं तो आठ माइनस वन यहां पर कितना आ रहा है मुझे सॉरी यहां पे कितना आंसर आएगा मुझे भी याद नहीं है ठीक है आठ माइनस वन अगर मैं करूं तो एट माइनस वन इज इक्वल टू सेवन थर्टी फाइव बाई सेवन यहां पे मेरा कितना आ जाएगा फाइव अच्छा है लेकिन एट प्लस वन तो ये कैंसिल हो गया एट पॉइंट फाइव पैदा से घटिया माइनस वन सेवन पॉइंट फाइव ये तो कहीं का का नहीं लग रहा ना इधर कैंसिल करेगा ना इधर कैंसिल होल नंबर काट का देगा खाई का देगा कुछ नहीं देगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट ऑप्शन कितना डालूगा सेवन माइनस वन सिक्स अच्छे से कैंसिल नहीं हो रहा डेसिमल दे रहा है यहां पे 7 अगर मैं रखूंगा, तो सेवन अच्छा प्लस नहीं दे रहा है में भी होता, तो ट्वेंटी सेकंड कैसे अगर मैं जगह छह रखूंगा तो छह माइनस वन अगर मैं करूंगा, तो पांच 35 को 5 से डिवाइड करूंगा x के जगह प्लस वन कितना हो गया सात

Was the formula? The formula was distance is equal to time x square minus y square by 2x. Just substitute the value. What was the total distance given in this question? 35. What was the total time taken to cover downstream and upstream? 12 hours. Keep the t value is 12 x square. What is the value of speed of the boat in still water? You need to find it. Minus how much aagi current speed current? 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 current 1 1 ka square 1 will divided by 2 into x. But this will lead to the same quadratic equation which you will get to solve this equation.

क्यों नहीं आता ऐसा तो झूठ बताया मतलब हम ज्यादा दूर नहीं जा सकते ना यहीं पे है तो यहां पे अगर हम इस सवाल की बात करें द करंट ऑफ स्ट्रीम रन एट द रेट ऑफ फोर किलोमीटर पर आवर मतलब

लग रहा है इस इक्वेशन को अगर आप करें तो इसी स्टेप से आपको गुजरना होगा आप थोड़ा एक बार घर में चेक कर लीजिए लेकिन मैं आपको अपना मेथड कहूंगा कौन सा मेथड ऑप्शन मतलब इस इक्वेशन को तो आपको लिखना है अब इस इक्वेशन को बिना सोल्व के डायरेक्टली ऑप्शन पुट कीजिए अगर मैं जगह छे रख दू तो सिक्स प्लस फोर ये कितना हो गया टेन 10, आपका कितना आ गया चलिए चेक कर लेते हैं दूसरे कंडीशन में इधर अगर हमने X के जगह रख दिया आपका कितना आ गया थ्री थ्री प्लस जीरो पॉइंट सिक्स आपका थ्री पॉइंट सिक्स है लेकिन मुझे टोटल कितना चाहिए टू तो कैंसिल हो गया ये मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता नेक्स्ट ऑप्शन की बात अगर करूं तो एट तो एट में आपका क्या होगा एट प्लस फोर कितना होता है ट्वेल्व 5, सर ये भी नहीं लेकिन जीरो पॉइंट जैसे कि वहां पर आया था ना आपका एटीन बाई ये नाइन बाई सेवन अगर करेंगे तो नाइन बाई सेवन पता है कितना प्लस टू बाई सेवन सेवन बाई सेवन यानी कि वन टू बाई सेवन यानी कि आपका कितना होता है .2856, तो 1 plus 2856 मतलब ये आपका कितना आता ऐसे करते करते आता ये अच्छा नहीं है आप अगर ले सकते हैं कितना कर सकते हैं अगर इधर रहा तो इसको अगर इधर मिल गया तो पॉइंट थ्री पॉइंट सेवन होल बन सकते हैं तो इसीलिए पॉइंट के बारे में फिक्र मत कीजिए सब्सटीट्यूट करते जाइए आंसर आएगा अब देखिए मैंने एक्स के जगह कितना रखा आठ आठ प्लस चार कितना हो गया बारह सिक्स बाई ट्वेल्व कितना हो गया वन बाई टू वन बाई टू का मतलब जीरो पॉइंट फाइव चलिए एक्स के जगह मैंने कितना रखा आठ आठ माइनस चार कितना हो गया चार सिक्स बाई फोर

30 km upstream and 44 km downstream in 10 hours. Also, he can row 40 km upstream and 55 km downstream in 13 hours. Find the rate of current and the speed of the man in still water. ऐसे क्वेश्चन सर हमें पूरा पता है आप हमें मत सिखाइए ये क्वेश्चन क्या है कुछ नहीं है लेकिन सर ये कैलकुलेटिव है तो सबसे पहले मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आपको नहीं आता तो इसको कॉन्सेप्ट लॉजिक ट्रेडिशनल क्या होता है और जिन लोगों को आता है उनके लिए मैं ट्रिक बस ट्रेडिशनल बताने के इमीडिएटली बात बताऊंगा एक मिनट बस दीजिए अब मुझे बताइए आपके दो कंडीशन है एक कंडीशन होता है आपका अपस्ट्रीम का दूसरा कंडीशन होता है आपका डाउन का मेरे ख्याल से सबको पता है अब आप अपस्ट्रीम में कितना किलोमीटर जा रहे हैं आप अपस्ट्रीम में थर्टी किलोमीटर जा रहे हैं और डाउनस्ट्रीम में 44 किलोमीटर जा रहे हैं और इतना ट्रैवल करने के लिए आपको टाइम कितना लग रहा है आपको टाइम टोटल लग रहा है टेन आवर्स इज इट क्लियर अब मुझे बस इतना बताइए दूसरा कंडीशन आपके पास क्या है कि आप जा रहे हैं किलोमीटर और अपस्ट्रीम जा रहे हैं 55 किलोमीटर और आपको टाइम कितना लग रहा है 13 घंटा अगर इसको पूरा ट्रेडिशनली आप सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं अब देखिए जब आप अपस्ट्रीम में जाते हैं तो आप अपस्ट्रीम के स्पीड से ट्रैवल करेंगे अपस्ट्रीम के स्पीड को हमने सपोज ले लिया

ये कैसा चेंज हो सकता है तो यहां पे टाइम कितना लगेगा 40 बाई ये यू है ना घटिया दिख रहा है मुझे भी मैं अभी कंफ्यूज हो जाता प्लस 55 किलोमीटर अगर मैं डी स्पीड में जाऊंगा डी इज इक्वल टू कितना होना चाहिए थर्टीन सर ये तो मुझे भी पता है लेकिन इक्वेशन ही है जो सोल्व नहीं होते इक्वेशन सोल्व करने के लिए आप क्या कीजिए यहां पे वन बाई यू है और वन बाई डी है आप एक एजम्सन ले लीजिए ना कि वन बाई यू इज इक्वल टू ए और वन बाई डी इज इक्वल टू आपका हो गया सपोज बी अगर आप इतना ले लेंगे by U is equal to A, तो ये इक्वेशन कितना अच्छा दिखेगा पता है थर्टी वन बाई यू का मतलब क्या हो गया ए प्लस ये इक्वेशन क्या हो जाएगा फोर्टी फोर वन बाई डी का मतलब हमने क्या लिया बी इज इक्वल टू टेन ये नॉर्मल आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं हो गया

ट्रिक का आप वो चीज हमें जल्दी से जल्दी दे दीजिए बस काम खत्म अब देखिए वो चीज कैसे लेना है आपको वही चीज आपको ऑप्शन के थ्रू जाना है और कुछ भी चीज यहां पे नहीं जाना है अब देखिए आपके पास दो दो ऑप्शन अवेलेबल है मतलब एक ऑप्शन में दो दो चीज है स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वाटर भी अवेलेबल है करंट भी अवेलेबल है तो आप क्या कीजिए ना आप जो अपस्ट्रीम का स्पीड लेते हैं वो कैसे लेंगे एक्स माइनस वाई लेंगे पता है आपको और डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना लेंगे एक्स प्लस वाई लेंगे तो आपको टाइम कितना लगना चाहिए टाइम बराबर डी बाई एस तो डी यहां पे थर्टी स्पीड यहां पे थ्री सॉरी एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई यहां पे आपका टाइम है एक्स प्लस वाई और ये दोनों मिलके आपका टेन होना चाहिए सर दूसरा इक्वेशन लिख दीजिए बिल्कुल नहीं अगर ऑप्शन के थ्रू जाना है मैं एक ही क्वेश्चन में आंसर बता सकता हूं कैसे अब देखिए यहां पे एक्स क्या होता है स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर वाई क्या होता है करंट होता है तो वो जो तीन और आठ आपको दिख रहे हैं वो आप पे क्या क्या है ऑप्शन के थ्रू पुट करना है ना तीन आपका कम है मतलब वो करंट होगा और आठ आपका ज्यादा है मतलब वो स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर होगा तो एक्स यहाँ पे एट हो गया आपका तीन हो गया तो मैंने अगर रखा यहां पे, एट और यहां पे रखा मैंने तीन यहां पे रखूंगा हो, 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 हो गया आपका दस कंडीशन किया जब मैंने एक्स को एट रखा और वाई को थ्री रखा सर ये फिर से गेम कर दिया क्या पहले मैं ऑप्शन डाल के भैया कॉपी पेस्ट किए हैं इसीलिए तो जो सेकंड बी का और फोर्थ का ऑप्शन नहीं निकाल पाए

नहीं होगा सर ये क्या किया वाला, वाला दिखाई तब मानेंगे अरे बी वाला ऑप्शन में थ्री इंटू फाइव है ये कितना आपका? .5. अब चेक करते रहिए ना मैं पूरा नहीं लिखवाऊंगा आपको चेक करवाना है ना अरे यहाँ पे अगर मैं फिफ्टी फाइव डाल दूं क्योंकि

मेक इट अ बिट कॉम्प्लिकेटेड क्यों क्योंकि यहां पे जो पिछला सवाल था ना उस पिछले सवाल में आप लोगों में देखिए मैं हमेशा खुराफात खुराफात क्यों बोलता हूं क्योंकि बच्चे हैं जिनके दिमाग में अच्छा डाउट्स आता है कि सर आप हमें थोड़ा चीट कर रहे हैं आपने एक्स और वाई दोनों को ऑप्शन में रखा था इसीलिए आपने एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई दोनों को सब्सिट्यूट करके आंसर एक बार में निकाल दिया अगर क्वेश्चन में सिर्फ करेंट या फिर सिर्फ स्ट्रीम मतलब बोर्ड पूछता ऑप्शन में अगर एक चीज अवेलेबल होता तो आप फंस जाते मैं बिल्कुल नहीं फंसता क्यों दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ऑलरेडी डिस्प्ले हो चुका है

स्पीड तो 24 फोर बाई यू होगा टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड 28 एट बाई डी होगा और ये टाइम और ये टाइम मिलने से आपका आंसर कितना आना चाहिए टोटल टाइम 6 घंटा आना चाहिए सर दूसरा इक्वेशन भी लिख दीजिए बिल्कुल नहीं मैंने ऑप्शन के थ्रू अगर जाऊंगा तो एक ही इक्वेशन मेरे लिए काफी है अब कैसे जाएंगे ऑप्शन के थ्रू अब देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको ऑप्शन के थ्रू जाना है तो इतना खुद पे और एग्जामिनर के ऊपर भरोसा रख के जाइए कि यहां पे ये यह डेफिनेटली एक होल नंबर होगा और यहां पर यह डेफिनेटली एक होल नंबर होगा अगर होल नंबर नहीं हुआ तो ये कोई ना कोई पॉइंट फाइव वाला वैल्यू होगा जो कि अक्सर कभी नहीं पूछता पॉइंट फाइव वाले क्वेश्चन नहीं आ सकते क्योंकि वो और लेवल के नहीं रहेंगे वो कम से कम अगर ट्रिक भी डाले ना तो दो तीन मिनट ले लेंगे तो ऐसे क्वेश्चन नहीं है आप टेक्स्ट बुक उठा के देख सकते हैं ना तो पे आपको बस दिमाग में इतना फोकस करना है कि दिस शुड बी होल नंबर एंड दिस शुड ब होल नंबर सर आपने स्टार्टिंग में एक डेसिमल वाला करवाया था वो उस क्वेश्चन के लिए पॉसिबल था जहां पे हमने यहां पे डी के वैल्यूज किए किया विद प्रैक्टिस पता चल जाएगा कि किसके वैल्यूज डेसिमल में आ सकते हैं किसके नहीं ये सारे के सारे के लिए थोड़ा टाइम तो चाहिए ना बस दीजिए बस अब देखिए ये रहा आपका पहला और ये रहा दूसरा ये भी होल नंबर होगा ये भी होल नंबर होगा मिलने से सिक्स होना चाहिए तो क्या क्या पॉसिबल होल नंबर आ सकते हैं दीज आर द पॉसिबल होल नंबर्स अगर दीज आर द पॉसिबल होल नंबर्स तो मुझे क्या करना है इस कंप्लीट वैल्यू को वन करना है तो ट्वेंटी फोर में क्या डिवाइड करने से वन आ जाएगा भाई ट्वेंटी फोर

कि अगर मुझे इस वैल्यू को फाइव करना है तो यहां पे जो भी नंबर होगा वो डेफिनेटली फाइव का मल्टीपल होना चाहिए क्यों क्योंकि अगर 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 होता होता तो तो मेरा मेरा आंसर आंसर आता आता यहां पे डी तो का वैल्यू लेकिन यहां पर ट्वेंटी है जो कि फाइव से नहीं करता तो यहां पर होल नंबर नहीं आ सकता तो यहां पर होल नंबर नहीं आएगा तो ये पॉसिबल वैल्यूज नहीं हो सकते मतलब मुझे जो कंप्लीट वैल्यू करना है वो न्यूमरेटर उस वैल्यू से डिवाइड होना चाहिए जैसे कि सर समझ में नहीं आया और एक बार अब

मैं ये पता है मुझे आंसर है लेकिन मैं इसके थ्रू भी आपको लूंगा ताकि हर सिंगल चीज आपको क्लियर हो और आप उसमें बिल्कुल ना फंसे अब मुझे देखिए क्या करना है 24 बाय u को 2 करना है 24 बाय u को 2 करना है तो 24 को किससे डिवाइड करने से रिजल्टेंट 2 आएगा भाई 12 से डिवाइड करने से रिजल्टेंट 2 आएगा तो इस कंडीशन में, में मेरा u का वैल्यू कितना आ रहा है 12 आ रहा है 28 को किस से डिवाइड करने से 4 आना चाहिए भाई 28 को 7 से डिवाइड करने से 4 आना चाहिए तो d का वैल्यू कितना आ गया सर सर आंसर तो आ गया ना शायद नहीं भाई अपस्ट्रीम का, स्पीड आपको मिल है और का लेकिन 12 सात से ज्यादा है तो यह कंडीशन भी आपका पॉसिबल नहीं हो सका पूरा तरीका आपको बता दिया नहीं तो ट्रेडिशनल आपके पास ऑलरेडी दिया चुका है ठीक है अब चार और दो की बात अगर करें तो मुझे बताइए ट्वेंटी में

माइनस अपस्ट्रीम बाई टू अगर करूंगा तो करंट आ जाएगा तो डाउनस्ट्रीम हमारा निकला चौदह माइनस अपस्ट्रीम हमारा निकला छह बाई दो तो आठ बाई दो आंसर कितना आ गया मेरे ख्याल से आप लोग मेरे पहले आंसर निकाल दिए होंगे क्योंकि मैंने पूरा चीज को अच्छे से गहराई से समझाया अब चलते हैं कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के और जो क्वेश्चन में आप लोग अक्सर फंस जाते हैं उन क्वेश्चन को एक बार और सॉल्व कर लेते हैं ठीक है देखिए अब वही ट्रिक को फिर से दोहराएंगे ठीक है ए मैन कैन रो सिक्स किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर अब मेरे ख्याल से क्लियर होगा एक्स का वैल्यू सिक्स है इफ़ स्पीड ऑफ़ करेंट इज किलोमीटर पर आवर, का वैल्यू है, इट्स टेक इट टेक्स इन आवर्स मोर इन अपस्ट्रीम देन इन डाउनस्ट्रीम फॉर द सेम डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है सेम है मतलब मैंने क्या किया डी मतलब डी डिस्टेंस को अपस्ट्रीम में जाने के लिए तीन घंटा ज्यादा लग रहा है

तो ये गंदा डेसिमल मुझे दे देगा .75 का डेसिमल दे देगा तो यहां पे थर्टी नहीं आ सकता ट्वेंटी फोर रखूंगा तो इस तरह से मैं ऑप्शन के थ्रू भी जा सकता हूं कि परफेक्ट कंडीशन कब हो रहा है जब डी का वैल्यू हम ट्वेंटी फोर रख रहे हैं तो इस तरह से कर सकते हैं वो ट्रिक भी डाल के आप कर सकते हैं जो अभी हमने कहा या फिर कॉन्सेप्ट आपको पता है कि आपको दिख रहा होगा ट्वेंटी फोर अब चलते हैं एक और सवाल की और यह सवाल काफी इंटरेस्टिंग है क्यों क्योंकि आपने ट्रेनस वाले प्रॉब्लम में ऐसा सवाल देखा होगा ऑलरेडी लेकिन यहां पे आपके मन में यह दुविधा होगा कि सर ट्रेन में तो करंट नहीं था यह करंट ही हमें करंट दे रहा है तो यहां पे देखिए इस कंडीशन को कैसे करेंगे टू बोट्स ए एंड बी स्टार्ट टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम टू पॉइंट्स 108 किलोमीटर अपार्ट मतलब दो पॉइंट से दो बोट निकल रहे हैं टू बोट्स ए बी एक दूसरे की ओर फ्रॉम टू डिफरेंट प्लेसेस अब वो बोल रहा है 108 किलोमीटर अपार्ट कुछ बनाने की जरूरत नहीं बस आपको सिखा रहे हैं ठीक है स्पीड ऑफ द बोट ए

b जो है उसको अपोज कर रहा है मतलब b अपस्ट्रीम में आएगा तो वो बोला है कि देन दे विल मीट आफ्टर वो लोग कितने टाइम के बाद मीट करेंगे अब इस क्वेश्चन को अगर आप मैं लॉजिकली सॉल्व करूंगा फिर आपको ट्रिक बता दूंगा लॉजिकली अगर मुझे सॉल्व करना है तो देखिए 108 किलोमीटर का डिस्टेंस है 108 किलोमीटर के डिस्टेंस को वो लोग कौन से स्पीड में कवर करेंगे रिलेटिव स्पीड में कवर करेंगे कौन से स्पीड में करेंगे रिलेटिव स्पीड में करेंगे रिलेटिव स्पीड कब आता है जब दोनों बॉडीज मोशन में होते हैं ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है रिलेटिव स्पीड में दोनों कौन से डायरेक्शन? ये में 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 जा रहे रहे हैं हैं क्यों? क्योंकि ये 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 आपका है 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 और और आ आ आ रहा है और ये east to west आ रहा है। तो इसको गलती मत कीजिएगा रिलेटिव स्पीड क्या होता है भाई opposite direction में relative speed आपका ऐड हो जाता है तो इसका स्पीड और इसका स्पीड सर बारह पंद्रह आप सही बोल दिए लेकिन गलती से सही बोल दिए कैसे ये जा रहा है बारह में नहीं ये 12 और डाउनस्ट्रीम सपोज करेंट का स्पीड कितना हमने लिया वाई तो ये जाएगा कितने में बारह प्लस वाई। ये से पंद्रह में नहीं आएगा करंट यहां जाता मतलब कैसे अब रिलेटिव स्पीड में अगर दोनों को एड ही करना है तो ट्वेल्व प्लस वाई प्लस फिफ्टीन माइनस वाई में वाई का कोई रोल नहीं रहेगा ट्वेल्व प्लस फिफ्टीन सिंपल स्पीड कितना आ जाएगा ट्वेंटी सेवन किलोमीटर पर आवर अब डी आपका कितना है 108 रिलेटिव स्पीड कितना है 27 टाइम बराबर आपको कितना लगेगा डी बाई एस तो 108 किलोमीटर 27 की रिलेटिव स्पीड में जाने से आपको कितना घंटा लगेगा चार घंटा तो ये क्वेश्चन जब भी आपको बोट एंड स्ट्रीम में मिले तो यहां पे बस एक चीज कीजिएगा करंट डजेंट मैटर बिकॉज करंट यहां पे प्लस वाई होगा उधर से माइनस वाई होगा और इफेक्टिवली जब अपोजिट में आएंगे एड होने से

स्विम ट्वाइस एज फार विद द स्ट्रीम मतलब वो जब डाउन स्ट्रीम में जा रहा है तो वो दुगना दु, डिस्टेंस कवर कर सकता है एज ही कैन अगेंस्ट इट जितना वो नॉर्मल अपस्ट्रीम में जाता अगेंस्ट में जाता सर कुछ समझ में नहीं आया मतलब वो सीधा सीधा ये कह रहा है कि अगर मैं टाइम को कॉन्स्टेंट रख दू मतलब जो पर्टिकुलर टाइम में अगर मुझे डाउन स्ट्रीम जाने के लिए कह दिया जाए तो मैं डाउन स्ट्रीम कितना जा सकता हूं जितना मैं अपस्ट्रीम में जा सकता था उसका दुगना इतना इतना तक क्लियर है तो इसको मैं कंफ्यूजन आपको नहीं करूंगा मैं सीधा सीधा आपको डायरेक्ट लेके जाऊंगा आपको दो कंडीशन है डाउनस्ट्रीम और दूसरा कंडीशन है आपका क्या अपस्ट्रीम अब डाउनस्ट्रीम में आप डिस्टेंस दुगना कवर कर सकते हैं ट्वाइस कवर कर सकता है ना तो डाउनस्ट्रीम में डिस्टेंस दुगना कवर कर सकते हैं तो टू इज टू वन लेकिन अगर वो दे देता

बताए थे अरे डिस्टेंस बराबर स्पीड सॉरी स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम अब उस वक्त हमने डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दिया था तो स्पीड और टाइम के बीच में इन्वर्स आ गया था जो कि इसके नेक्स्ट वाले सवाल में डालना है अब अगर मैंने टी को कांस्टेंट ले लिया तो स्पीड और डिस्टेंस डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब स्पीड बढ़ाएंगे तो ज्यादा डिस्टेंस जा पाएंगे स्पीड कम आएंगे तो कम डिस्टेंस आ सकते हैं तो यहां पे स्पीड के बीच में रेशियो आ गया मेरा टू एस टू वन और ये किसके किसके बीच में डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम के बीच में तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड अगर टू ए है तो अपस्ट्रीम का स्पीड कितना होगा वन ए अब मुझे बताइए करंट क्या होता है डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम बाई टू मतलब मैं अगर वाई की बात करूं तो वाई क्या होगा डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम बाई टू तो टू ए माइनस ए बाई टू मतलब ये कितना आएगा ए बाई टू और वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है थ्री बाई टू ऑलरेडी दिया है ना तो ए बाई टू बराबर थ्री बाई टू और एक इसका टिक बता दें फिकर मत कीजिए का वैल्यू थ्री बाई टू मतलब A का कितना आ गया मेरा A का वैल्यू अगर थ्री आ गया तो वो मुझे पूछा क्या गया है एट वट रेट डज ही स्विम वो कितने रफ्तार से स्विम कर रहा है स्विम कर रहा है मतलब स्टिल वाटर की बात कर रहा है एक्स पूछा है मतलब एक्स का वैल्यू क्या होता है डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम बाई to. डाउनस्ट्रीम का स्पीड हमने 2a लिया है ये 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 लिया है मतलब ये क्या होगा 2a plus a यानी कि कितना हो गया आपका 3a by 2 जो आएगा, मेरा आएगा. अब 3a by 2, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते थे अगर मैं बाई टू बाई टू दोनों में कॉमन निकाल दू तो बाई टू करने की जरूरत नहीं मैं डायरेक्ट क्या करता टू ए माइनस का वैल्यू हम ले ले लेते थ्री और यहां पर जब मैं टू है आप कंफ्यूज मत होइए छोड़िए आपको ऐसा मैंने सिखा दिया

प्लीज इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे दे दीजिए ताकि हमें पता चले कि कौन लोग हमारे वीडियो देखे, क्या आपके हमारे वीडियो वीडियो हम क्या सारे सारे और, साथ और लाइक तो बिल्कुल बनता ही है, शायद बहुत ही है इस के पीछे। और साथ ही साथ जितने का ये डाउट है कि स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वॉर फाइव हंड्रेड परसेंट मोर देन करंट अगर आपका डाउन स्ट्रीम का स्पीड 24 किलोमीटर पर एक एग्जाम्पल देते हैं हमने सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया अगर आपको एक क्वेश्चन मिले कि द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज फाइव हंड्रेड परसेंट मोर देन द स्ट्रीम तो स्ट्रीम यानी कि वाई स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर यानी कि अब y जो X जो है वो 500 परसेंट ज्यादा, ज्यादा मतलब अगर वाई 100 में फ्लो कर रहा होगा 500 ज्यादा मतलब ये 600 में फ्लो कर रहा होगा तो सिक्स इज टू वन इनके बीच में क्या आ गया रेशियो आ गया अगर आपको कोई बोल दे कि दे स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम इज ट्वेंटी एट किलोमीटर पर आवर

और पीडीएफ आपको वहीं पे हम प्रोवाइड करते रहेंगे उम्मीद है आपको सेशन पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिए और चले मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक कीप लविंग बाय बाय थैंक यू